बारातियों की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी जाती है, लाठी डंडों से तलवारों से लैस होकर आए और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। करनाल के कृष्णा मंदिर में एक बारात आती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है। आप देख सकते हैं बाराती इस समय पहुंचे थे, लेकिन कौन वह बदमाश युवक थे जो इनकी गाड़ियों में हमला बोल गए, जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस की तमाम टीमें आप देख सकते हैं मौके पर इस समय पहुंच चुकी है। तमाम शीशे तोड़कर आखिरकार वो बदमाश कहाँ चले गए? इस समय बाराती जो है वो हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ से आप आए थे और क्या कुछ हुआ? सर हम आसी रोड से बारात लेके आए थे, हम अंदर अपना बैठ के लंच कर रहे थे। मेरी गाड़ी भी यहाँ ब्लैक क्रेटा यहाँ पे खड़ी थी, हमने देखा जैसे लठों की आवाज़ आई तो इस गाड़ी में लठमार रखे थे, उस गाड़ी में लठमार रखे थे। इधर में हम बाहर आके देखा हमारी गाड़ी यहाँ पे ठीक ठाक सलामत खड़ी थी, बाकी गाड़ी में इसमें सर लेडीज बैठी थी, एक बच्चा बैठी थी जिनको शीशा लगने से ही बच गया। कौन लोग थे, मोटरसाइकिलों पे थे? 7-8 लड़के जिसके लास्ट में नंबर 71 लिखा हुआ था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, तलवार गंडासी बिंडे सारा कुछ थे। मेरी गाड़ी वो साथ में खड़ी सर, देखो ब्लैक क्रेटा। नहीं जी नहीं, हम तो जानते ही नहीं, हम तो जानते ही यहाँ पे वो आपसी में लड़ रहे थे, हम तो अपने छुड़ाए नियम अंदर चले गए और वो बाहर लड़ते रहे, बाद में आके देखा हमारी गाड़ियां तोड़ रखी है उन्होंने। तो करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, आप देख सकते हैं ऐसे आरोपियों पर निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही बदमाशी बढ़ गई करनाल में, आपकी गाड़ियों पर क्यों हमला कर गए बदमाश? सर ऐसा है, बराती रिबन कटाने के बाद अंदर चले गए थे सभी के सभी, यहाँ पे अकेली गाड़ी खड़ी थी तो अकेली गाड़ियों में कुछ लड़के थे, बदमाश वगैरह थे जो भी, उन्होंने लठ वगैरह इसमें मार दिए, शीशे वगैरह तोड़ के चले गए, पर ये नहीं पता चले कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए। तो आप देख सकते हैं इस समय गाड़ियों के शीशे तोड़कर बदमाश चले जाते हैं, बैठे थे कार में वो बैठे थे उनकी नाड़ पे, आप देख सकते हैं बच्चे भी बैठे थे, महिला भी बैठी थी, डरी हुई है महिला, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डर हो ही जाता है। क्या कुछ बताना चाहेंगे बहन जी, किस तरह से हमला हुआ आपकी गाड़ी पर? जी हम बैठे थे, हमें नहीं पता पीछे से आ रहे, पीछे से लठ मारा और मारने चले आगे को, फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, फिर भाग गए आगे, इधर मुड़ के गए, सारे शीशे तोड़ दिए। हाँ जी, पिछले हमारे बैक आगे भी तोड़ रहे थे शीशा, वो तो हमने खिड़की आपकी किसी से? जी नहीं, हम तो बाले से आए, मैं क्या पता कौन है। लेकर आए थे? नहीं, हम तो लड़की की तरफ से। हाँ जी, हम तो लड़के। हाँ जी, ये छोटा एक मेरा एक ही बेटा है बस, इसके ऊपर भी शीशे सारे भी सारे, ये देखो ये सारा शीशा चूड़ा सारा पीछा सर सारे लगे हुए। हाँ जी, होनी चाहिए पूरी जी। देख सकते हैं महिला की आंखें नम है, घबरा गई है महिला, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, काफी घबराई हुई थी, रो रही महिला, आप देख सकते हैं किस तरह से, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब चाहेंगे सख्त कार्रवाई हो ऐसे की? हाँ जी, सख्त कार्रवाई चाहिए। काफी घबरा गए थे उस समय? हाँ जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे हार्ट का भी ऑपरेशन हो रखा, मेरे पे दो, उस वजह से मेरे को ज्यादा घबराहट हो रही थी, इससे मेरे से आवाज नहीं निकली जा रही, बोला नहीं जा रहा मेरे से। कोई नहीं, आप हिम्मत रखें, जरूर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं बारातियों की गाड़ी थी, बारातियों की गाड़ी थी और बारातियों की गाड़ी पर जमकर हमला बोल दिया जाता है। बदमाश युवक कौन थे? वो मौके से भाग गए। बारात वाली गाड़ी आप देख सकते हैं जो सजी हुई थी, जिस गाड़ी में दूल्हा आया था उसी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी जाती है। तमाम बाराती इस समय यहाँ पर मौजूद है, सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं डायल 112 की जो पुलिस टीमें हैं वो मौके पर इस समय पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और कार्रवाई होनी भी चाहिए। हालांकि थाना पुलिस टीमों को जानकारी दे दी गई है, आप देख सकते हैं इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, डायल 112 की जो टीमें हैं वो मौके पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी, क्योंकि बारातियों की गाड़ियों पर हमला हो जाता है, बारातियों की गाड़ी पर हमला हो जाता है और आप देख सकते हैं गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। दो बारातियों की गाड़ियां हैं, एक लड़की वालों की है और एक दूल्हे की गाड़ी है, आप देख सकते हैं गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। पुलिस में जानकारी दे दी गई है, अब थाने जाकर जो शिकायत दी जाएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, अगर सीसीटीवी फुटेज इस कैमरे की कैच की जाए, आसपास लगे कैमरों की कैच की जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे बदमाश युवक जो है काबू आएंगे। आप देख सकते हैं तलवार और डंडे का निशान देखा जा सकता है, तलवार और डंडे का निशान देखा जा सकता है। गाड़ियों के सभी शीशे तोड़ दिए जाते हैं, दूल्हे की गाड़ी है आप देख सकते हैं, दूल्हे की गाड़ी और जो दूसरे बाराती यहाँ पर आए थे, एक लड़की वालों की भी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ कर दी जाती है। सीसीटीवी कैमरे सामने लगे हुए हैं, अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज संभाल लेगी तो निश्चित तौर पर ऐसे बदमाश युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि करनाल में कहीं ना कहीं बदमाशी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, बदमाशों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं।
तमाम इस समय जो बराती हैं आप देख सकते हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो परिवार हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस की जो टीमें आप देख सकते हैं वो मौके पर पहुंची है। एक महिला जो इस गाड़ी में सवार थी वो भी काफी घबराई हुई है, डायल 112 से टीमें मौके पर पहुंची है। सर क्या कुछ जानकारी आपके पास है जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? बराइयों को फोन कर दिया, आ रहे सेक्टर 13 की चौकी से आ रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। बरातियों की गाड़ी जी बता रहे हैं? बरातियों की गाड़ी है, खड़ी है जो जी। और भागे बदमाश? भागे वो शराबी थे। कितने थे कुछ पता चला? ये नहीं आता, डायल 112 ये वाकई देखा है, जब देखा है सीसीटीवी का चेक करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाएगा। सेक्टर 13 पुलिस चौकी को जानकारी दे दी गई है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, और ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो बारात की गाड़ी है, दूल्हे की गाड़ी है, अब दूल्हे की गाड़ी में से सामान निकाला जा रहा है, क्योंकि गाड़ी को पुलिस थाने में भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम शादी का जो सामान था वो इस समय निकाला जा रहा है, उसको खाली किया जा रहा है। शीशे आप देख सकते हैं, सभी शीशे तोड़ दिए जाते हैं, सभी शीशे तोड़ दिए जाते हैं, और जमकर बदमाशों ने जो है उत्पात मचाया। लेकिन समझ नहीं आ पा रहा कि आखिरकार इन्हीं की दो गाड़ियों में क्यों जो है बदमाशी हुई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो गाड़ियां कहाँ खड़ी थी? कोई गाड़ी पीछे उनके आगे तो नहीं खड़ी थी? गाड़ियां यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पर खड़ी थी, यही खड़ी थी गाड़ी, एक यहाँ पे खड़ी थी ब्लैक रंग की, उसको नहीं लगाया तो इसको लगाया, ये बाहर की गाड़ियां थी, दोनों गाड़ियां बाहर की हुई थी। नहीं कोई ऐसा तो कोई बात नहीं, वो लेकर गाड़ी निकालने को बदमाश आपस में लड़े थे, दो तीन बदमाश आए उधर गली में आपस में लड़ रहे थे, हमारी बारात आई, हम अंदर एंट्री कर गए, एंट्री करने के बाद हमें 5 मिनट हुए थे अंदर गए को, 5 मिनट बाद हमें फ़ोन आया अभी आपकी गाड़ियां तोड़ दी हैं, हम बाहर आके देखा तो हमारी गाड़ियां तोड़ के बदमाश जा चुके थे, यहां पे कोई नहीं मिला हमें। चाहेंगे सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे? सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शादी का माहौल था आप देख सकते हैं, नई गाड़ी है, क्रेटा गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए जाते हैं, फ्रंट शीशे पर आप देख सकते हैं तलवार या डंडे का निशान देखने को मिल रहा है, ये शीशा तोड़ दिया गया, ये शीशा तोड़ दिया गया, पिछला शीशा तोड़ दिया गया, इस गाड़ी का पिछला शीशा तोड़ दिया गया। इस गाड़ी में तो जबकि एक महिला और एक बच्चा भी बैठा हुआ था, लेकिन किस तरह से बदमाश युवक, 7 से 8 बदमाश युवक आते हैं करनाल के सेक्टर 14 पोष इलाका बिल्कुल कृष्णा मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं बारात अभी पहुंची थी कि तभी जो है किस तरह से पूरे परिवार पर हमला बोल दिया जाता है। ये गाड़ियां यहां पर खड़ी थी, और सबसे बड़ी बात है कि आसपास सीसीटीवी कैमरे भी जरूर लगे हुए हैं, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। बरातियों पर हमला हो जाता है, बराती तो अपनी बारात लेकर आए थे, कृष्णा मंदिर में शादी समारोह था, पड़ोस में ही झगड़ा हो रहा था, झगड़े में ही इनकी गाड़ियों पर उल्टा लाठी डंडे और तलवारों से हमला बोल दिया जाता है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। डायल 112 की पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई है, सेक्टर 13 पुलिस चौकी की टीमें मौके पर पहुंच गई है, लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, गाड़ियों की वीडियोग्राफी भी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जाएगी। हालांकि आज संडे है, काफी शोरूम जो है सामने वाले बंद है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर ही पता चल पाएगा कि आखिरकार बारातियों पर कौन बदमाश युवक थे जो हमला बोलकर फरार हो जाते हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं समय, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, फोटोग्राफी करते हुए वीडियोग्राफी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अगले शीशे पर तलवार से बता रहे हैं और लाठी डंडों से हमला बोला गया। पड़ोस के ही दुकानदारों ने बताया कि जिनकी दुकानों के बाहर झगड़ा हो रहा था, एक व्यक्ति को काफी खूनम खून भी कर दिया था उन्होंने मारकर, दो गुटों में जमकर झगड़ा हो रहा था। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि दो गुटों के झगड़े में आखिरकार इन बरातियों का क्या कसूर था जो अभी बारात लेकर पहुंचे थे कि तभी इन बरातियों पर हमला बोल दिया जाता है। पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच चुकी है, परिवार डरा हुआ सहमा हुआ जरूर है कि आखिरकार उनका क्या कसूर था, क्यों आखिरकार उनकी गाड़ियों पर हमला बोल दिया गया। सूचना मिलते ही दो दो डायल 112 की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, सेक्टर 13 पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच जाती है, मामले की तफ्तीश जो है शुरू कर दी गई है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, बारातियों की गाड़ी थी, दूल्हा इसी गाड़ी में आया था, डोली भी इसी गाड़ी में लेकर जानी थी, लेकिन डोली वाली गाड़ी पर आखिरकार किसने हमला बोल दिया, ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। कौन वे हमलावर थे? आप देख सकते हैं शीशे तोड़ दिए जाते हैं, लाठी डंडों से लैस होकर वे हमलावर आए थे, और यहीं पर वह आपस में एक दूसरे को लठ पेल रहे थे कि तभी जो है अचानक इनकी गाड़ियों पर क्यों हमला बोल दिया गया, ये अपने आप में समझ नहीं आ रहा है, पच नहीं पा रही है बात कि आखिरकार इनका क्या कसूर रहा, क्यों इनकी गाड़ियों पर हमला बोला गया, क्यों इनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। आप देख सकते हैं शीशा ही शीशा दूल्हे की डोली वाली गाड़ी में देखा जा सकता है, जिस गाड़ी में दुल्हन को लेकर जाना था उसी गाड़ी में अब शीशा ही शीशा बिखर गया, गाड़ी को सजा कर लाए थे लेकिन
पता नहीं था कि जैसे ही वह बारात लेकर कृष्णा मंदिर के बाहर पहुंचेंगे तभी यहां पर जो दो बदमाश गुट खड़े थे इनकी गाड़ियों पर भी हमला बोल देंगे। और अब आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं आखिरकार कौन बदमाश युवक थे जो इनकी गाड़ियों पर हमला बोल देते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, परिवार यहां पर मौके पर मौजूद है, परिवार यहां पर मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस छानबीन करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के कृष्णा मंदिर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, पुलिस की टीमें छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जो लोग जो परिवार गाड़ी में बैठे थे उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्या कुछ रंजिश रही होगी। आप देख सकते हैं ये महिला और ये बच्चा गाड़ी में बैठे थे, किसी की तो इनसे कोई रंजिश भी नहीं थी, तो बाहर से आए थे, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ी पर क्यों हमला बोला गया। महिलाएं आप देख सकते हैं इस समय मौके पर पहुंच चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, बारातियों की गाड़ी पर आखिरकार कौन हमला बोल देता है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप तो बारात लेकर आए थे, किसने हमला बोला कुछ पता चला आपको? हाँ जी पता नहीं जी हमें किसने हमला बोला है, हमारा सामान था वो भी नहीं है गाड़ी में, और हमारी गाड़ी तोड़ गया और हमें इनसे खतरा भी है समझ लो, और डर भी लग रहा हमें। हाँ शीशे तोड़ गए जी सारे यहाँ पे, हमारा तो कोई कसूर भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं सभी बराती जो है काफी परेशान हैं, इनकी तो शादी थी, बारात लेकर पहुंचे थे। मैम आपको बाद में पता चला कि आपकी गाड़ियों पर हमला बोल दिया गया? हाँ जी हमारे को तो बाद में पता लगा जी, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, इनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं। तो कोई दुश्मनी किसी से रंजिश नहीं, किसी को कोई नहीं जानता, कोई किसी को नहीं जानता इस मामले में। तो बता रहे हैं बदमाश थे काफी? हाँ जी काफी काफी लड़ाई हुई है, पहले लड़ाई हुई है उनकी, वहाँ पर लड़ाई हुई है, जब बारात आई वहाँ पे हुई है, उसके बाद ये हमारी बारात अंदर गई है तो ये बाहर ये कार्रवाई हुई है करी है हमारे। तो आपकी बारात अभी गई थी? अंदर अभी आई थी, अभी आई थी, अभी तो वेलकम हुआ था उनका, अभी वेलकम गेट पे ही खड़े थे अभी तो सब। तभी हो गया झगड़ा? जब भी झगड़ा हो गया तो पता ही नहीं लगा उस बीच किस कहां से क्या हुआ, क्या हुआ मतलब कौन थे कौन नहीं हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं इस समय किस तरह से परिवार की महिलाएं काफी दहशत में आ जाती हैं, क्योंकि बारात लेकर पहुंचे थे तभी जो है आप देख सकते हैं इस समय झगड़ा हो जाता है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है, ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कृष्णा मंदिर के बाहर से इस समय आप देख सकते हैं, शीशे तोड़ दिए गए, गंडासी तलवारें ले रहे थे, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से तलवारें गंडासियों से शीशे तोड़ दिए जाते हैं, चारों शीशे तोड़ दिए गए। अब सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंची हुई है, मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सभी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, दो गाड़ियां, एक बाराती की गाड़ी थी और एक लड़की वालों की गाड़ी थी। इसी गाड़ी में आप देख सकते हैं, इसी गाड़ी में जो है दूल्हा आया था, इसी गाड़ी में दूल्हा आया था, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दुल्हन को भी लेकर जाना था, छोटे छोटे बाराती भी आप देख सकते हैं शादी में पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिरकार कौन वे हमलावर थे, क्यों आखिरकार इनकी गाड़ियों पर हमला बोला गया। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, सभी जो लोग हैं वो डरे हुए सहमे हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहा। पुलिस अब इस चीज की जांच करती हुई नजर आ रही है, छानबीन करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कृष्णा मंदिर के बाहर से, कृष्णा मंदिर के बाहर से इस समय आप देख सकते हैं। कमल मिड्डा करनाल, ब्रेकिंग न्यूज करनाल। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, सेक्टर 13 पुलिस चौकी की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है, वो इस समय बयान लेते हुए नजर आ रहे हैं, बयान लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, जिनकी गाड़ियां थी उनके बयान लिए जा रहे हैं, जो जांच अधिकारी है वो इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जांच अधिकारी कुलदीप सिंह जो है मौके पर पहुंचे हैं। आखिरकार कौन वह बदमाश थे, क्यों आखिरकार इनकी किसी से रंजिश थी, समझ नहीं आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, पुलिस इस समय उनसे बातचीत करती हुई कि क्या कोई रंजिश थी आप लोगों से, अभी तो आप बारात लेकर पहुंचे थे, कि आखिरकार किसने और क्यों हमला बोल दिया, ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।
लड़के वाले हाजी रोड के आए थे, लड़की वाले ये यहाँ का है जी, बांसू गेट साइड का। तो पुलिस की टीम इस समय आप देख सकते हैं, कुलदीप सिंह जो है आप देख सकते हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, शीशा ही शीशा नीचे बिखर जाता है क्योंकि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। बाराती थे, डोली लेकर जाना था, अभी तो बारात लेकर पहुंचे ही थे लेकिन पता नहीं था कि इस तरह से बाराती और लड़की वालों की गाड़ियों पर हमला बोल दिया जाएगा और बदमाश युवक मौके से भाग जाएंगे। बहरहाल अब पुलिस की टीमें मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है, बयान लेती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सेक्टर 14 में स्थित कृष्णा मंदिर से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से कृष्णा मंदिर से इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की जो टीमें हैं वो इस समय बयान लेती हुई नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं।